तो क्या तुम्हारा माइनक्राफ्ट भी लैग करता है? तुम भी माइनक्राफ्ट में लैग को फिक्स करना चाहते हो तो तुम लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज मैं आपको बताऊंगा माइनक्राफ्ट में आप लैग को कैसे फिक्स कर सकते हो। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है रेसिंग रफ्तार। माइनक्राफ्ट में लैग को फिक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम इसे एक ऑप्टिफैन की हेल्प से फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, इस ऑप्टिफैन का नाम है रेड ड्रैगन ऑप्टिमाइजर। सबसे पहले आपको नीचे दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करना है, माइनक्राफ्ट में इंपोर्ट करना है और अपने वर्ल्ड में अप्लाई कर देना है। तो यह ऑप्टिफैन आपके गेम परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा और FPS को भी बढ़ाएगा। सही, आप इसे अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको एक गियर आइकॉन दिखेगा, उसके ऊपर आप सभी को क्लिक करना है। सही, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप सभी को तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे या फिर तीन लेवल देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले है बैलेंस ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा लेवल इसका हाई ऑप्टिमाइजेशन, तो गाइस तीसरा लेवल है मैक्स ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो ये है ना नॉर्मल है, मतलब तुम ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहते गेम को, थोड़ी बहुत एनिमेशन भी चाहते हो ना, तो इससे अप्लाई कर देना। तो इसमें होगा क्या, जैसे तो एडजस्ट एंड चेंज टेक्सचर पूरा चेंज हो जाएगा, स्मूथ गेम प्ले, आपका गेम प्ले स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद है हाई ऑप्टिमाइजेशन, इसमें आप सभी को देख सकते हो टेक्सचर पूरा चेंज हो जाएगा, जो अननेसेसरी थिंग्स है ना माइनक्राफ्ट की वो पूरी रिमूव हो जाएगी, स्मूथ गेम प्ले है, बिल्कुल लेस रिसोर्सेज का ये यूज करने वाला है, क्वालिटी को एडजस्ट करेगा, FPS को बूस्ट करेगा। और लेवल 3 पे यहाँ पे मैक्स ऑप्टिमाइजेशन में आप सभी को सब कुछ मिल जाएगा, टेक्सचर पूरा चेंज, स्मूथ गेम प्ले, रिसोर्सेज को बिल्कुल लेसली यूज करेगा, अननेसेसरी थिंग्स को हटा देगा, क्वालिटी बढ़ा देगा, पार्टिकल्स को चेंज कर देगा या फिर रिमूव कर देगा, एनिमेशन को एडजस्ट कर देगा, परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, FPS बढ़ा देगा एंड मेनी मोर, बहुत सारी चीजें और भी होगी। अगर बात करूँ होम स्क्रीन की तो वो कुछ ऐसी दिखने वाली है जब तुम इसे अप्लाई करोगे। आप सभी क्लियरली देख सकते हो जिस बंदे ने इसको बनाया है उसने FPS को इस तरह से शो किया है, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में देख सकते हो आप सभी को ज्यादा से ज्यादा 50 FPS मिल रहा है एंड यहाँ पे देख सकते हो ओके 112 तक जा रहा है, गाइस 110 तक जा रहा है। तो ये है ना, ये इसके डेवलपर ने ही बताया कि इतना FPS तुम सबको मिल सकता है इसके अंदर। बात करूँ गेम प्ले की तो जो अभी गेम प्ले चल रहा है वो इस ऑप्टिफैन को अप्लाई करने के बाद में प्ले कर रहा हूँ इसको, तो देख सकते हो गेम तुम्हारा ऐसा दिखने वाला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें सब कुछ चेंज हो जाएगा, एक टेक्सचर मान लो तुम लोग, हर एक चीज FPS बूस्ट हो जाएगा, एनिमेशन ऑफ हो जाएंगे, तो तुम सबको प्ले करने में मजा आएगा। इसमें जिसके मोबाइल में थोड़ी कम जीबी रैम है ना वो भी अब आसानी से माइनक्राफ्ट खेल सकता है। तो तुम सभी से अप्लाई करो, क्या तुम्हारे लिए काम करता है या नहीं करता मुझे जरूर से बताना, और इसको डाउनलोड कर लो, नीचे लिंक दे दिया है मैंने। तो आज का वीडियो था, आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।